ओम शांति। सुख सागर परमात्मा पितांकर सुखमय दुनिया स्थापना कार्य रे निजर तन मन धन सहित सहयोगी होता समस्त भाग्यशाली आत्मा मानंकु हृदय सहित शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। कथारे अछि धन दिए धन ना खुटे, आहुरी मध्य कुहा जाए दान कले धन वृद्धि हुए। तेबे एभळि केउं जिनिष अछि संसार रे जहा दान कले सरीब नाही अथच वृद्धि हेइ चलिब। अपर पक्षरे कुहा जाउछि कि बसी खाइले नई बालिशरे। संसार रे एकमात्र जिनिष ताहा हेउछि ज्ञान, जहा जेते दान कले मध्य कमिबा परिवर्ते बा सरिबा परिवर्ते आहुरी वृद्धि पाइथाए, तथा ज्ञान द्वारा स्थूल धन सुख तथा पदमर्यादा मध्य प्राप्त होता है। जेते बेले देह अहंकार आसे सेते बेले एहा वृद्धि पाइबा परिवर्ते आहुरी क्षय होई होई जाई थाए। बाइबेल रे उल्लेख अछि कि जीशुंकर आसिबार 3000 वर्ष पूर्वे भारत सुनार चिड़िया थिला, सुख संपदरे भरपूर थिला। एही कथा को केही मध्य अस्वीकार करी परिवे नाही, एहा संपूर्ण युक्तिसंगत। गोटे छोटिया अनुशीलनरु एहा स्पष्ट हो पारिब। वर्तमान ठारु 60 किंबा 70 वर्ष तळकु फेरि जिबा, सेतेबेले सामाजिक विधि व्यवस्था कहंतु, आर्थिक व्यवस्था कहंतु, अथवा शारीरिक आउ मानसिक सुस्थता कहंतु, केते उन्नत थिला। प्रत्येक वस्तुर मूल्य मध्य बहुत कम थिला एवं शुद्ध जिनिष मध्य प्राप्त हेउथिला। परस्पर भितरे स्नेह आदर एकता भाईचारा सब किछि थिला। ए कथा वयोवृद्ध माने अंगेन भी थिबा बेले परवर्ती पीढ़ी माने तांकर वास्तव अनुभूति को सुनिछंती मध्य। एतिके वर्ष पूर्वरु जदि दुनिया एते संपर्ण आउ सुस्थ थिला, तेबे 5000 वर्ष पूर्वरु अर्थात जीशुंक आसिबार 3000 वर्ष पूर्वरु भारत सुनाहिरारे भरपूर काहीकि बा नथिबो। यहार मध्य आउ एक स्पष्ट प्रमाण आम सामनारे अछि, ताहा हेउछि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। इतिहास को तो केही केबे अस्वीकार करि परिवे नाही। इतिहास कहे मुसलमान राजा मामूद 17 थर भारत आक्रमण करिथिले एवं आक्रमण समय केवल सोमनाथ मंदिर रु ओट ओट भरी सुना हीरा नै जाइथिले। एथरु चिंता करंतु से समय रे जदि गोटिए मंदिर रे एते धन थिला, सेतबेले तो गोटिए मंदिर नथिबो एवं से मंदिर को गढ़ई थिबा व्यक्ति मध्य अछंती। प्रत्येक व्यक्ति ताहले केते संपन्न नथिबे एवं सेतबेले रे भारतर अवस्था किभली नथिबो। तेबे सेतबेले एवं वर्तमान भितरी आकाश पातालर अंतर हेबार मुख्य कारण हेउछि देह अहंकार एवं जनसंख्या वृद्धि। आमे जानिछे प्रत्येक जिनिष अतिरु इतिकु ही प्राप्त करिथाय। सही भली वर्तमान एई तमु प्रधान
आसुरी प्रवृत्ति बा आसुरी संस्कार संपन्न दुनिया रो अंत अवश्यंभावी एवं सत्यजुगी सतप्रधान संपन्न दुनिया रो स्थापना स्वयं सृष्टि रचयिता परमात्मांक द्वारा खूब शीघ्र हेबाकु जाउछि। निराकार परमात्मा शिव पिता कहुछन्ति, मधुर संतान गण, देहर सम्बन्धरे बंधन रहिछि, तेणु दुख आसुछि, एहा भी स्वाभाविक। धरा जाउ कहा सहित आमर स्नेह रहिछि बा आमे ताकु बहुत भल पाउछे, जदि सही व्यक्ति आम को टिके मध्य अणदेखा करे बा अवहला करे, से स्थान रे बा से समय रे मन केते उणा हेइ थाए, मन केते दुख हेइ थाए। एहा एक छोटिया उदाहरण मात्र, एही भली अनेक क्षेत्र रे अनेक समय रे एवं अनेक संबंध रे आमे अनुभव करूछे प्रति मुहूर्त रे। सेथिपाई भगवान कहुछन्ति, जदि देही अर्थात आत्मा संबंध रे रहिबो तेबे असरंती सुख मिलिबो, जहा आमर वास्तविक स्वरूप आमे ई देह बा आमे ई शरीर नहु, शरीर को धारण करी कर्म कला वाला आत्मा अटु ज्योति स्वरूप। एकमात्र पितांकर ही स्मृति रहु, सेथिपाई प्रथमे पांच विकार रूपी माया उपरे विजय प्राप्त करिवा आवश्यक। तेबे यहार आधार हेउछि वास्तव स्मृति स्वरूप हेबा। एही निशा रहु जे कल्प कल्प आमे शिव बाबांकर स्मृति रे रही पंच विकार रूपी माया शत्रु उपरे विजय प्राप्त करी हीरातुल्य हेचु। थरे नुहे अनेक थर, जहार मध्य हिसाब नाही, जेहेतु एही सृष्टि चक्र अनवरत घूरी चलीचि चक्राकार गतिरे, सत्य त्रेतया द्वापर आउ कली एही भली भावरे घूरी चलीचि अविराम गतिरे घंटा कंटा भली। स्वयं भगवान आमर माता पिता अटंती, एहा द्वारा साहस भरी जीव माया ठारु जितिबा पाई बा माया को हरिबा पाई। कुहा जाए ना, हिम्मत रख बा साहस रख तेबे भगवानंकर ठारु सहयोग मध्य प्राप्त हेइ जीव। तेणु साहस रखी ईश्वर पितांकर सहयोग प्राप्त करिबा को हेबो। जे भली प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं आदिमाता जगदम्बा पुरुषार्थ करी संपूर्णता को प्राप्त करिछंती, सही भली तांको पूरा पूरा अनुकरण करिबा को हेबो। देहर बंधन को बुद्धिरु संपूर्ण रूपे बाहर करिदेबा आवश्यक। श्रेष्ठ पितांकर श्रेष्ठ मतरे परिचालित होई सर्वदा हर्षित होई रहिबा, ता सहित ईश्वरीय सेवा मध्य करिबा आवश्यक। भगवान वरदान देउछन्ति, काहाठारु दूरे जीवा परिवर्ते निजकु समस्तंक सहित खाप खुआई चालुथिबा सहनशीलतार अवतार हुअ। स्थानकु अथवा अन्यकु परिवर्तन करिबा परिवर्ते निजकु परिवर्तन करिदेबा आवश्यक। परमार्थ अर्थात ईश्वरीय सेवाधार रे व्यवहार अर्थात निजर घर गृहस्थकु सठिक रूपरे चलौथिबा, एहा ही हेउछि जोगी आत्मार लक्षण। अच्छा, आजि पई एठारे आमे माने विराम नेवा।
सारा विश्वर आत्मा मानंकर कल्याण हेउ, समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।